लंबे समय से परेशानी झेलने के बाद हरदी बाजार क्षेत्र के लोगों को सड़क का परिवहन के मामले में राहत देने की व्यवस्था साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से की जा रही है। कंपनी ने 17 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ दीपका से हरदी बाजार थाना तक बाईपास रोड बनाना निश्चित किया है। इसकी कुल दूरी 5 किलोमीटर होगी। एक कार्यक्रम में इस कार्य का भूमि पूजन किया गया। वैदिक रीति से नवीन सड़क तैयार करने के लिए भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी की गई। कार्यक्रम में कटघोरा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रेमचंद पटेल के अलावा SECL के अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। विधायक प्रेमचंद पटेल ने मौके पर अपनी बात रखी और कहा कि क्षेत्र की आवश्यकता के लिए कंपनी से पहल की गई थी, जिस पर आगे का काम किया जाना स्वीकृत किया गया है। सड़क गुणवत्ता के साथ बने यह जरूरी है। इसके साथ निर्माण होने तक वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने और वाहन चालकों सहित सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी है। आज हमारे साहब अमित साहब आज वो पूरा करी ने और पूरा जब तक हमार गुणवत्ता के बात होत रही से तो गुणवत्ता के बात ऐसे करबो कि जब तक दूसर रोड नहीं बन जाते तब तक रोड टिके, ऐसे रोड बनना चाहिए। और ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलबो। और जो अभी हमार दीपका से नतीजा हो के बाईपास पर रोड बना थे वो अति शीघ्र पूरा हो। एक साहब ने मैं चेतात हूँ आप कलेक्टर साहब ने बोले हमें हैं और निश्चित रूप से वो रोड जल्दी से पूरा हो। भाजपा पार्षद अरुणेश तिवारी ने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि परिवहन के साथ साथ जनस्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। इस दिशा में जो कोशिश की जा रही है उससे कुछ हद तक सहूलियत मिलेगी। उन्होंने सड़क निर्माण के मामले में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने पर भी जोर दिया। तो इस सड़क निर्माण में गुणवत्ता में कहीं भी समझौता न हो, जिस तरह से एस्टीमेट बना है उसमें गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाए। अगर गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि हम सारे लोग विरोध करेंगे। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपका क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक अमित सक्सेना ने देश के लिए कोयला की उपयोगिता बताने के साथ यह भी कहा कि कोयला का दोहन करने के मामले में कई प्रकार की चुनौतियां बनी हुई हैं। विकास के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कंपनी को एहसास है कि कोयला उत्पादन और परिवहन की प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्र के निवासियों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसलिए हम अपने सरोकार दिखाने से पीछे नहीं है। पहले यहाँ चारों तरफ से आने वाली रोड और उड़ती हुई धूल, कोयला तो देखिए देश के लिए निकलता ठीक है, कोयला निकलने से आपको जरूरत पूरी होती है ठीक है, कोयला से बिजली बनती ऊर्जा बनता ठीक है, बिना बिजली के आप पानी भी नहीं पी पाएंगे ये भी सर्वमान्य सत्य है, लेकिन आप इतने कठिन परिस्थितियों में जिएंगे ये तो उचित नहीं। अगर हमें कोई पद मिला है, हमें देश के लिए कोयला निकालना है, अगर हमें कोई पद मिला है उसके साथ हमें आप लोगों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, तो क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ाएं और इन सारी चीजों से दिक्कतों से दूर करें बड़ी ईमानदारी के साथ। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से 17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली सड़क का काम गुड्डू भैया को दिया गया है। हर कोई चाहता है कि काम बेहतर तरीके से हो और समय पर हो ताकि लोगों को समस्याओं से छुटकारा मिल सके। हरदी बाजार से विनोद उपाध्याय की रिपोर्ट।